दौसा स्पेशल टीम की बड़ी कामयाबी। कांस्टेबल संजय हत्याकांड प्रकरण में मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया है। डीएसटी की ओर से दी जा रही दबिश के चलते आरोपी ने सरेंडर किया है। कालू उर्फ विक्रम हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। बता दें कि 23 जुलाई को कांस्टेबल संजय की मानपुर में हत्या कर दी गई थी और आरोपी ने पुलिस की टीम के लगातार हो रही दबिश के चलते सरेंडर कर दिया है। डीएसटी की ओर से लगातार देखिए दबिश दी जा रही थी। एक स्पेशल टीम गठित करके कालू उर्फ विक्रम हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जिसने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। तो दौसा स्पेशल टीम की बड़ी कामयाबी दौसा स्पेशल टीम को मिली है। कांस्टेबल संजय हत्याकांड प्रकरण के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। डीएसटी की ओर से लगातार दबिश दी जा रही थी और इसी दबिश के दबाव के चक्कर में सरेंडर आरोपी ने किया है। मुख्य आरोपी इस हत्याकांड का कालू उर्फ विक्रम अधिक अपडेट के साथ समानता सुनील सत्यवादी दौसा से फोन लाइन पर बने हुए। देखिए सुनील, अब बड़ी कामयाबी मिली है दौसा पुलिस को, स्पेशल टीम को, जिन्होंने लगातार डीएसटी की टीम गठित कर कार्रवाई की और हत्याकांड एक बड़ा हुआ था, कांस्टेबल संजय हत्याकांड, उसके प्रकरण को सुलझा दिया, आरोपी ने सरेंडर किया है, क्या अपडेट? जी चैती, मैं बताना चाहूंगा, दौसा मानपुर का ये मामला है। मानपुर पेट्रोल पंप के सामने 23 तारीख को संजय कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी पारिवारिक विवाद के चलते। जी। उनके परिवार के सदस्य थे, कुछ उसके मित्र थे और हत्या के बाद वो लोग फरार हो गए थे। दौसा डीएसटी टीम ने और दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने इसको इश्यू बना लिया था जल्दी से जल्दी सुलझाने का, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर गांव में बड़ा आंदोलन था और लोग बड़े आंदोलन थे। इसको लेकर मानपुर सीओ थाने का घेराव भी किया गया था और ये बहुत चर्चित था और लोगों की निगाह इस पर लगी हुई थी। इसी को लेकर दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने उनके निर्देशन में 4 टीमें बनाई जो अलग अलग क्षेत्रों में गई और जो हत्या के आरोपी थे उन पर दबिश थी, उन पर दबाव बनाया, जिसके चलते 30 तारीख को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रदीप को। उसके बाद 2 तारीख को कल अशोक को और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अलवर से गिरफ्तार किया गया था, एक को गांगली आवास जयपुर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद डीएसटी की टीम लगातार प्रेशर बनाई हुई थी, दबाव बनाई हुई थी और इनको लग रहा था कि जीप भी बरामद हो गई, बाकी आरोपी भी दस्तियाब हो गए, तो जो मुख्य आरोपी था उसने इस दबाव से प्रभावित होकर दबाव से बचने के लिए थाने में जाके सरेंडर किया है। डीएसटी टीम ये बड़ी कामयाबी है और दौसा एसपी अनिल बेनीवाल का जो निर्देशन है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी जयती सुनील, इसके अलावा सभी आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुख्य तौर पर जो आपसी रंजिश है, पारिवारिक विवाद, उससे जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, इसके अलावा क्या जानकारी दे पा रही है पुलिस की टीम, क्या कारण रहे हत्या के? जी जयती, इसमें अभी कुछ और आरोपी हैं जो अभी पकड़ से बाहर हैं। इसमें लगभग 7 से 8 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी है उसके मित्र थे, सब ने मिलकर ये कांड किया था। अभी कुछ और आरोपी बाहर हैं, उनको पकड़ने की, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जयती मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पहला मुलजिम दस्तियाब किया गया था उस दिन दौसा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया था और उसमें स्पेशली एक चीज को रेखांकित किया था कि जो लोग भी इनकी सहायता कर रहे हैं छिपने में या भागने में, किसी भी तरह की मदद कर रहे हैं या पैसे से मदद कर रहे हो या उनको प्रेरणा दे रहे हो, उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। तो शायद उसके बाद माहौल बना और जो लोग उनकी सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उन लोगों ने अपने हाथ खींच लिए। ये सारा प्रेशर एक साथ काम आया, इसी दबाव के चलते डीएसटी टीम लगातार पीछा कर रही थी, उस सब के बावजूद ये कामयाबी मिली। जी जयती जी, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।